गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत सारे आर्टवर्क बना रहे हैं, घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत आप भेज रहे हैं ग्रुप में। बहुत खुशी हो रही है। हम अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। इससे हम लोग जो है बहुत ही हैप्पी रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो हम आज नेचर ड्राइंग देखेंगे प्राइमरी क्लास के लिए। ठीक है, नेचर ड्राइंग क्या है, जिसको हिंदी में निसर्ग चित्र कहा जाता है। निसर्ग चित्र, निसर्ग में बहुत कुछ चीजें हम देखते हैं, जैसे पहाड़, पौधे, पानी, बादल, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। नेचर का बहुत बड़ा मीनिंग है, निसर्ग का बहुत बड़ा मीनिंग है, कुदरती जैसे कहा जाते हैं, है ना। और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेचर ड्राइंग। नेचर ड्राइंग इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ड्राइंग। नेचर इट्स हैविंग ए वेरी ब्रॉड मीनिंग। नेचर वी कैन सी इन द नेचर माउंटेन्स, क्लाउड्स, रिवर्स, वाटर्स, ओके, वाटर, रिवर, माउंटेन, रोड, स्काई, बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, सो मेनी थिंग्स, इट्स अनकाउंटेबल। नेचर इज वेरी 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 ब्यूटिफुल। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेचर ड्रॉइंग। इन द नेचर ड्रॉइंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू ड्रॉ द फ्लावर पिक्चर्स एंड हाउ टू मेक द कलर। आई एम गोइंग टू टेक नाउ पेंसिल कलर्स, एनी ब्रांड यू कैन टेक, बट डॉम्स एंड कैमल ब्रांड्स आर गुड। Usually, you can use any other color also, like oil pastels also. But now I am going to show you in pencil color. And we need one permanent marker, because first you have to draw by pencil and you have to make outline with black marker, and after that we are going to fill the color. Okay? पहले हम क्या करेंगे? Pencil से drawing बनाएंगे। उसके बाद जब ड्राइंग परफेक्ट होगा, उसके बाद हम उसको परमानेंट मार्कर, जो ब्लैक मार्कर है, उससे हम आउटलाइन करेंगे, पेंसिल एंड इरेज करेंगे, उसके बाद हम कलर करेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं। ओके, रेडी। यह है कलर पेंसिल्स और यह है परमानेंट मार्कर। ओके, मैंने पहले ही लाइटली ड्राइंग कर लिया है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, परमानेंट मार्कर से आउटलाइन डालेंगे, उसके बाद कलर करेंगे। ठीक है, परमानेंट मार्कर से आपको केयरफुली कलर आउटलाइन डालना है, क्योंकि वो एक बार करने के बाद उसको हम दोबारा एकदम से चेंज नहीं कर सकते, करेक्शन कुछ भी हम एकदम से नहीं कर सकते। यह है हमारा नेशनल फ्लावर। ओके, तो हम इसको अभी कलर करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे ले रहा हूं डार्क पिंक कलर, लाइट पिंक कलर और येलो कलर। ठीक है, तो मैं पहले येलो कलर कर लेता हूं ऊपर। ऊपर के हिस्से में मैं क्या कर रहा हूं, येलो कलर कर रहा हूं।
ऊपर के लिए उसके बाद मैं लाइट पिंक कलर जो है लगा रहा हूं। हल्के से लगाना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। यू शुड नॉट प्रेस मोर लाइटली हाउ टू मेक द lines shading by the color pencil. You have to make very lightly, very gently shades by color pencils. थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं। उसके बाद हम ले रहे हैं डार्क पिंक। थोड़ा सा यहाँ पे जोर लगा के करना है क्योंकि थोड़ा सा वो डार्क होना है ना, इसीलिए। ये पानी का हम ऐसे दिखाना है। उसके बाद हम थोड़ा सा लाइट ग्रीन लेंगे, स्टैम्प को हम कलर करेंगे। उसके बाद हम लेंगे डार्क ग्रीन। ये हो गया हमारा लोटस। अब एक दूसरा जो फ्लावर है बहुत ही फेमस है, उसको हम लेंगे रोज। ओके, मैं लाइटली इस तरह से ड्राइंग कर रहा हूं। और इसको भी मैं परमानेंट मार्कर से आउटलाइन
अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने रोज बनाया हुआ है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, लाइट पिंक, डार्क पिंक और रेड। ओके, इतने मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले लाइटली पूरा के बाद है डार्क पिंक। हम डार्क टू लाइट इस तरह से लेते जाएंगे। वन साइड हम डार्क कर देंगे, उसके बाद हम रेड लेंगे, थोड़ा सा रेड लेके उसके बाद हम लेंगे लाइट ग्रीन। उसके बाद लेंगे डार्क ग्रीन। तो ये हमारा
अभी तक आपने देखा कि मैंने किस तरह से ब्लैक आउटलाइन किया और कैसे मैंने कलर किया, है ना। सो हमने यहां पर येलो, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक इस फ्लावर के लिए यूज किया। ऊपर से येलो लगाते आए, नीचे लाइट पिंक, उसके बाद और डार्क पिंक हमने शेड किया। यहाँ पर भी लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का शेड किया। पानी के लिए येलो सॉरी लाइट ब्लू हमने यहाँ पे शेड किया। यहाँ पर आपने देखा है हमने रोज को भी हमने कलर किस तरह से किया है। आप लोग उसको अगर समझ में नहीं आया है तो और एक बार उसको देख लीजिए वीडियो को और प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कॉल करें, आपको मैं समझता हूँ आपके पास मेरा नंबर है, तो आप कॉल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अच्छे से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ हम आपको दो एग्जाम्पल बताए, आप और भी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आप घर में बनाना है, अलग अलग फ्लावर्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करके प्रैक्टिस करना है। करेंगे ना, करेंगे। यस, थैंक यू।